ये ए मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, और कहता है ये वाली साइड जो है इसकी फाइंड करें, इनके आंसर्स निकालें। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ये निकालना है, ठीक है, यानी हमारे पास आ गया, आपने सबसे पहले फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बहुत आसान, पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखें 1 2 4 6, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें 6 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें -2 और -4। तो इन दोनों का आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत आसान है। तो 1 6 6 आ गया, +2 -4 -8 आ गया, आगे 1 2 -2 आ गया, ठीक है जी, और +2 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, +6 को -24 4 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, 4 को -2 से किया तो -8 आ गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, 6 - 8 कितना हुआ -2 -2 +2 0 आ जाएगा, 24 - 24 से कट जाएगा 0 आ जाएगा, -8 + 6 आ जाएगा -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ये देखें इसमें आपने जस्ट ये करना है कि एडजॉइंट ए को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। तो यहाँ पे देखें, मैं एडजॉइंट ऑफ ए को पहले और फिर ए को मैं रखूँगा, तो मेरे पास देखें क्या आ जाएगा। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या, इन दोनों की जगह चेंज कर दें 6 और 1, इन दोनों की साइन चेंज कर दें -2 -4। अब इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है, 1 2 4 6। अब इससे मल्टीप्लाई करें जी, बिल्कुल आसान है, इसको इसके साथ तो 6 1 6 आ जाएगा जी, फिर -2 4 0, ठीक है, -8 आ गया, फिर 6 2 0 12 आ जाएगा, प्लस -2 6 0 -12 आ गया, ठीक है जी, -4 1 0 -4 आ जाएगा, प्लस 1 4 0 4 आ जाएगा, फिर -4 2 0 -8 आ जाएगा, प्लस 1 6 0 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हुआ कंप्लीट। अब देखें इसका आंसर क्या निकलता है, 6 - 8 - 2 आ जाएगा, ठीक है जी, 12 - 12 से कट के 0 आ जाएगा, -4 + 4 से 0 आ जाएगा, और -8 + 6 अगेन -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आया है। अब देखें तो यही आंसर जो है ना, ए पहले और एडजॉइंट ए बाद में रख के आया था, और यही आंसर एडजॉइंट ए पहले और ए बाद में रख के आया है, और यही हमें उसने कहा था। अभी अब तीसरी साइड भी हम लोगों ने निकालनी है। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेक्चर सीरीज पूरे सीक्वेंस से देखिएगा, लेक्चर 1 2 3, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। दरमियान से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं जो तीसरी साइड यहाँ पे करने लगा हूँ वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले आई मैट्रिक्स, मैंने आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था कि आई मैट्रिक्स कौन सा होता है, आई मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 के, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना ना, तो 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 6 माइनस फिर क्या करना होगा, 4 × 2 4 × 2। तो आंसर आ गया 6 - 4 2 0 8, और आंसर आ जाएगा -2। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने जस्ट इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है, इसके अंदर सॉरी जो आपके पास क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपने इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2, ठीक है, और आई मैट्रिक्स जो है वो है 1 0 0 1। तो अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 1 0 -2 -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 1 0 -2। तो स्टूडेंट्स देखें तीनों साइड्स आपस में बराबर आई हैं, ये वाली साइड देखें आंसर, इसका आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, तीनों आंसर्स आपस में सेम है। तो यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करवाऊँगा आप लोगों को, वो भी थोड़ा इसी तरीके से है, लेंथी ज़रूर है लेकिन है आसान, आप लोगों ने बिल्कुल भी इनको लेके घबराना नहीं है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। मैंने ये देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स जिसमें भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं ये भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन ये है भी, ये भी आसान है, जस्ट इसमें आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना है, उसको अगर समझ आ जाती है तो ये बड़ा आसान है आपके लिए। अगेन ना यहाँ पे बी का इन्वर्स है, मैं वो ज़रा साइड पे निकाल लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। ये देखें ज़रा, बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -2 और आ जाएगा 3, और उन दोनों की आप लोगों ने साइन चेंज करने हैं 1 और ये आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आप लोग इसको
ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, नीचे बी का डिटरमिनेंट है। तो बी का डिटरमिनेंट कैसे आप लोगों ने निकालना है, आप लोगों को पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल आ जाएगा 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मैं इसको इधर कर लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 6 माइनस और माइनस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसके नीचे आ गया माइनस 4। मज़ीद हल करें तो माइनस 2 ओवर माइनस 4, ठीक है 1 ओवर माइनस 4, माइनस 2 ओवर माइनस 4, 3 ओवर माइनस 4। अच्छा स्टूडेंट्स इसको ना देखते ही, ये मैंने बी इनवर्स निकाला है जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसको देखते ही कटिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मैं इसको इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं मैं कर रहा। अभी आगे जब जाएंगे ना तो ये एलसीएम के प्रोसेस को आसान कर देगा आपके लिए, तो मैं अभी इसको कटिंग नहीं कर रहा, इसको बाद में कटिंग करते हैं इसकी, ठीक है जी। तो ये आपका बी इनवर्स आ गया, इसको मैं यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ मुझे बी इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, तो मेरे पास है इधर क्वेश्चन, पहली साइड है बी को पहले रखें और बी इनवर्स को बाद में रखें और आपस में मल्टीप्लाई करें, मैं करने लगा हूँ आपके सामने। तो बी इंटू बी इनवर्स विल बी इक्वल टू, पहले बी लिखें 3 माइनस 1 2 माइनस 2, ये लिखा मैंने, फिर मैंने क्या लिखना है, फिर मैंने लिखना है बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, माइनस 2 ओवर 4 माइनस है नीचे भी, ठीक है हाँ, ये आप लोग माइनस माइनस की कटिंग अगर करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस आप चाहें तो आप इधर दरमियान में भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली रकम के साथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये देखें मैं इनके साथ अब माइनस नहीं मैं लिख रहा, 2 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 2 ओवर 4 और माइनस 3 ओवर 4, तो इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बी को मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी इनवर्स मैंने साइड पर निकाल लिया था, अब ये देखें मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा ये स्टूडेंट्स रफ अमल नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये पेपर के अंदर आपने इंक्लूड करना है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैंने साइड पे किया तो ये रफ अमल है, ये रफ वर्क नहीं है ये, बल्कि आपने इसके अंदर शामिल करना है इसको भी। अब ये देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4, ठीक है जी, प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ये नीचे क्या आ जाएगा 2 ओवर 4, ठीक है जी, ये नहीं है इसको इसके साथ, अब इसको अगले के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 4 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 4, तो इस तरीके से हो गया। फिर अगली हमारे पास बारी इसकी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 फिर प्लस फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4, फिर नेक्स्ट इसकी बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 4। स्टूडेंट्स यहाँ तक सिर्फ मुश्किल है, बाकी आगे सारी आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अब ये देखें आपको पता है ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो 1 है, तो 3 2 ज़ार 6 आ गया ओवर 1 4 ज़ार 4 आ गया प्लस माइनस 1 2 ज़ार माइनस 2 आ गया, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, यहाँ पर माइनस 2 ओवर 4 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 3 माइनस 1 ज़ार माइनस 3 आ गया ओवर 4 आ जाएगा, और माइनस 1 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 ओवर 4 आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 2 2 ज़ार 4 4 ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे 1 है, तो माइनस 2 2 ज़ार माइनस 4 ओवर 4, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2 माइनस 1 ज़ार माइनस 2 ओवर 4 और माइनस 2 माइनस 3 ज़ार प्लस 6 ओवर 4। यहाँ तक क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ आ जाए तो मज़ीद आगे फिर आसानियाँ ही हैं, इसके भी आगे भी आसानियाँ ही, देखें माइनस 3 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4 से कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 4 ओवर 4 ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे भी ये भी कट गया 0। यहाँ पे अब देखें मैंने 4 नहीं थी ना कटिंग की, अब देखें एलसीएम बिल्कुल आसान है, 4 एलसीएम आएगा ऊपर 6 माइनस 2, यहाँ पे 4 एलसीएम ऊपर माइनस 2 प्लस 6, ये देखें मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इसके बाद आ जाएगा इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इसका आ जाएगा 0, ठीक है जी, इसको मैं इधर ये लगा देता हूँ, और इसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, ये 0 ही है और इसके नीचे क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस 6 ओवर 4। तो अब आपके सामने 6 माइनस 2 कितना होता है 4
ओवर फोर आ गया, जीरो जीरो माइनस टू प्लस सिक्स फोर ओवर फोर। अब ये देखें आपके पास कटिंग हो गई है, फोर फोर से कटा, फोर फोर से कटा, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे वन आ गया, तो आंसर आपका आ गया वन जीरो जीरो वन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो आंसर आया है ये आई के इक्वल है, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, तो यही हमें उसने कहा हुआ था कि आई के इक्वल आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक पार्ट इसका मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब करना ये है, देखें सवाल इसी तरह ही है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होना है। देखें इधर मैंने लिखा था बी, इधर लिखा था बी इनवर्स, अब आपने बी इनवर्स को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगी, आंसर भी यही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।